नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। पंजाब पुलिस विच सब इंस्पैक्टरां दी 4 डिफरेंट कैटेगरी विच जॉब रिक्रूटमेंट दी ऑफिशियल न्यूज़ जिहड़ी हो आ चुकी है। तो दोस्तों पहला आप इस नोटिफिकेशन नू रीड कर रहे हैं, इस तो बाद लास्ट विच तुहानू मैं बेस्ट बुक्स बारे दस दांगा कि इस एग्जाम नू क्वालीफाई करने लई सब तो बेस्ट बुक कीड़ी है। तो जिहड़ी पोस्टां सब इंस्पैक्टर दी, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस ते इन्वेस्टिगेशन ते इंटेलीजेंस ब्यूरो विच आउणगे। तो सब तो पहला कंप्यूटर बेस्ड जिहड़ा रिटन एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर के चार ऑप्शन दिते होणगे, तुहानू एक सही आंसर चूज करके सेव करना होगा। इस तो बाद जिहड़ा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट लई तुहानू बुलाया जाएगा। तो जिहड़ा सीबीटी एग्जाम होगा, यह अगस्त 17 तो लैके 31 तरीक 2021 के विचकार जिहड़ा यह कंडक्ट करवा दिता जाएगा। तो सब इंस्पैक्टर की भर्ती वास्ते इत्थे इन्होंने लिखा हुआ है कि दो एग्जाम होणगे, टायर 1 अते टायर 2, जिसका तो हूँ दो पेपरों तो मतलब कि दोस्तों एक दिन विच ही दोनों पेपर नहीं होंगे। सब तो पहला टायर 1 का एग्जाम होंगे, जो वह क्वालीफाई कर लेने तो टायर 2 लिए सदे जाओगे तुम। तो दोनों एग्जाम में दो दो घंटे का टाइम तुम्हें मिलेगा, तो 100 नंबर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड नैगेटिव मार्किंग की गल करिए 0.25 होगी, जो थोड़े 4 सवाल गलत नहीं तो एक नंबर कट्टा जाएगा। हम इतने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं कैडर के हिसाब से, सब इंस्पैक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में 87 पोस्टा ने, सब इंस्पैक्टर आर्म्ड पुलिस कैडर में जी 97 पोस्ट ने, सब इंस्पैक्टर इन्वेस्टिगेशन कैडर में 299 पोस्टा ने, सब इंस्पैक्टर इंटैलीजेंस कैडर में कल 87 पोस्टा ने। एंड सब इंस्पैक्टर लिए एज लिमिट की गल करिए, 18 से 28 साल का कैंडीडेट जनरल कैंडीडेट इस पोस्ट में अपलाई कर सकता है। तो एससी एसटी वास्ते 5 साल की एक्सट्रा छूट दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल करिए, जी सब इंस्पैक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में जी पोस्ट है उस वास्ते ग्रैजुएट कैंडीडेट अपलाई कर सकता है, तो आर्म्ड पुलिस कैडर में भी जो ग्रैजुएशन कैंडीडेट अपलाई कर सकता है, तो सब इंस्पैक्टर जो भी ग्रैजुएशन कैंडीडेट अपलाई कर सकता है। दोस्तों नॉर्मल ग्रैजुएशन तुम बी ए की है, बी कॉम की है, बी एस सी की है, कोई भी ग्रैजुएशन की है तो इस पोस्ट में अपलाई कर सकते हो। सब इंस्पैक्टर इंटैलीजेंस ऑफिसर की गल करिए, जी ग्रैजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, मतलब बी एस सी बी टैक बी ई कैंडीडेट, सिर्फ बी ई कैंडीडेट यानी बी एस सी बी टैक वाले कैंडीडेट इस पोस्ट में अपलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने इन्होंने सिलेबस मैनशन किया हुआ, जल्दी ना इसका स्क्रीनशॉट लै लो। एंड जो पंजाबी में समझना चाहते हो पूरे सिलेबस में, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पंजाबी में पूरी जानकारी लै सकते हो। तो यह पेपर बनता सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस होगी, मैथमैटिक पंजाबी सिलेबस, तो इस अलावा अगर गल करिए तो यह पेपर 2 का सिलेबस तुम देख सकते हो, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग डाटा रिलेटड सिलेबस होगा, डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस तो इंग्लिश रिलेटड सिलेबस सैकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जे एग्जाम क्वालीफाई कर लेने हो तो उस तो बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट वास्ते बुलाया जाएगा, जिस विच हाइट मेल्स कैंडीडेट की 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, तो फीमेल कैंडीडेट की जी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए है। तो मेल कैंडीडेट वास्ते कि 1600 मीटर रनिंग होगी, 7 मिनट में कढ़नी होगी। एंड लोंग जंप 3.65 मीटर के 3 चांस आपको मिलेंगे, हाई जंप 1.10 मीटर के 3 चांस इस मिलेंगे। तो फीमेल कैंडीडेट की गल करिए, 800 मीटर रनिंग होगी, 5 मिंटों में 1 चांस मिलेगा। तो लोंग जंप की गल करिए, 3 मीटर की लोंग जंप होगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की गल करिए, 0.90 मीटर के 3 चांस मिलेंगे। इस तो अलावा इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर दी पोस्टां उत्ते फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट अलग है, जिस विच हाइट 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए है, तो फीमेल की हाइट जी 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए है। तो मेल ही रनिंग होगी जी 800 मीटर 4 मिनटों में क्ढनी होगी। तो लोंग जंप जी 9 फुट की होगी, 3 चांस इस मिलने, तो हाई जंप 3 फुट की होगी, तो 3 चांस इस मिलने। तो फीमेल कैंडीडेट की गल करिए, 400 मीटर रनिंग होगी, 2 मिनट में क्ढनी होगी। तो लोंग जंप की गल करिए, 6 फुट होगी, 3 चांस इस मिलने, हाई जंप होगी 2.5 फिट, तो इस जेडे भी 3 चांस मिलने। ओके दोस्तों, ये सब इंस्पैक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो हम आप बुक्स की गल कर रहे हैं दोस्तों, पंजाबी अते इंग्लिश अते हिंदी लैंग्वेज के अलग अलग सैक्शन बना के मैं बुक्स के लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिते हैं। हुण तुसीं डिसाइड करना किहड़ी लैंग्वेज विच एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं पंजाबी की भी बुक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती है, हिंदी के भी अते इंग्लिश की भी बुक्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों लेटेस्ट एडिशन बुक है शायद तुम्हें मार्केट में ना मिले, इस करके तुम लिंक पर क्लिक करना, तो अमेजोन पर जाना, तो कैश ऑन डिलीवरी इस बुक को ऑर्डर करके अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देना।